हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शोभिक में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मात भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मात भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के जॉब के बारे में। मेट्रो रेलवे की तरफ से यहाँ पे जॉब निकला हुआ है जो कि दिल्ली में है। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, जिसका डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, इसके साथ साथ एप्लीकेशन करने के लिए आप किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते उसका भी मैं डिटेल्स आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के हर एक मंथ में यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी निकलता है। जैसे इस मंथ पे भी बहुत सारे वैकेंसी निकला हुआ है जिसके डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग सभी जानते हैं ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, रेलवे जॉब, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ पोस्ट क्या क्या निकला हुआ है। तो दोस्तों, पोस्ट जो निकला हुआ है DYCE ब्रिज असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ब्रिज, सुपरविजर ब्रिज, SE ब्रिज एंड मेंटेनर ब्रिज। तो दोस्तों, यही है कुछ पोस्ट यहाँ पे जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है इस मंथ में। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि इस जॉब का जो जॉब लोकेशन रहेगा दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका जॉब लोकेशन रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ वैकेंसी बहुत सारे हैं, यहाँ पे पोस्ट भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन करने के लिए नीचे दिया हुआ लिंक को आपको आप लोग क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 5 मई 2019। तो दोस्तों, 5 मई 2019 के बाद आप लोग एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 10, 12 एंड डिग्री डिप्लोमा पास आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मिनिमम क्वालिफाई आपके पास 10th है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा की भी सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 10, 12 डिग्री कोर्स, ग्रेजुएटेड एंड डिप्लोमा कोर्स जो लोग कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ मैक्सिमम एज लिमिट जो यहाँ पे दिया हुआ है 62 ईयर्स। तो दोस्तों, 62 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि सैलरी आपको पर मंथ कितना रहेगा। तो दोस्तों, DYCE ब्रिज के पोस्ट के लिए 93,200 रुपीज़ आपके पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के लिए 82 से 63,800 रुपीज़ आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट है सुपरवाइजर और ब्रिज, AC ब्रिज के लिए 55,800 रुपीज़ आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद मेंटेनर के लिए ब्रिज 37,600 रुपीज़ आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो दिया हुआ है इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन फ़ीस कोई भी नहीं लगेगा, आप लोग इजीली यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। एप्लीकेशन करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आता है आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।